इस वक्त हम हैं प्रयागराज में और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध मौनी बाबा जी। मौनी बाबा जी, आपका बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन है जी। हमने यहाँ प्रयागराज आए और बेहद कड़कड़ाती ठंड है, हमने कल्पवासियों को देखा संगम में स्नान करते हुए, हमने कई बाबाओं को देखा कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह स्नान करते हुए, तो ये क्या चमत्कार है इतनी ठंड में और संगम जैसी पवित्र नदी में ठंडे पानी में वो स्नान कर रहे हैं, ऐसी क्या दिव्य शक्ति आ जाती है? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है कि माँ गंगा की गोद में स्नान करने के बाद पापाक्षय होता है और शरीर में तेज की वृद्धि होती है। जो तेज माँ गंगा से प्राप्त होता है उसे हमें ऋतुओं का प्रभाव नहीं होता और योगक क्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य रूप से मेरी शरणागति में आ जाता है उसकी रक्षा करने का दायित्व भी मुझे है। जब मेरे देश की सेना के नौजवान हिमालय की पर्वतों में खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं तो आप कल्पना करिए कि अगर हम लोग इस ठंडे जल में गंगा में डुबकी लगा करके अगर माँ को प्रणाम कर रहे हैं तो आश्चर्य की बात नहीं। यह इस भारत भूमि की विशेषता है, यहाँ प्रत्येक प्राकृतिक स्थिति में यहाँ का नौजवान, यहाँ के साधक, यहाँ के संत, यहाँ के विद्वान और आप जैसे पत्रकार शिखर पे चढ़ जाते हैं। हमने देखा है कि मरुजाला की जैसे तमाम बड़े बड़े पत्रकार बड़ी बड़ी शूटिंग करते हैं, दिखाते हैं देश को, तो आप सब अभिनंदन के भी पात्र हैं। इस मेरे देश की विशेषता है, इस देश के रक्त में वो चीजें हैं, यहाँ जो निवास करता है उनमें कुछ विशेषताएं होंगी, इसीलिए भारत को विश्वगुरु कहा गया। और यहाँ योग विशेषता है, हर व्यक्ति यहाँ संयमी है, चरित्रवान है, धर्म कर्म का पालन करता है। तमाम राजनेताएं भी योग के बल पर अपनी सामाजिक चर्चाओं में रहा करते हैं। आपने राजनेता की बात छेड़ दी है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उन्हें एक पतली सी टी शर्ट में देखा जा रहा है, क्या उनको ठंड नहीं लग रही या क्या उनमें ऐसी ही कुछ शक्ति आ गई है? देखिए, शक्ति की बात नहीं है, राहुल गांधी का राजनीतिक क्षेत्र अमेठी रहा है जहां मेरा आश्रम है और राहुल गांधी से मेरी कई बार मुलाकात हुई है। उन्होंने एक बार मुझे चर्चा में कहा था वो 2 घंटे रोज योगासन करते हैं और वो योग आसन करते हैं और चलते भी हैं, इसमें खूब पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा करते समय रक्तों का संचार काफी तीव्र होता है, इसलिए भी शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन वो स्वयं योग करते हैं और भारत के योग में कर्म में धर्म में विश्वास करने के नाते वो जो उनको ऊर्जा प्राप्त है वह भारत माता की पदयात्रा करने के बाद प्राप्त है, जबकि उनको लेकर के तमाम नकारात्मक चर्चाएं हुआ करती हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने ऐसा कुछ बोल भी दिया था कि खाकी वाले जो है वो कौरव हैं, इस स्थिति में है, तो कभी कभी उनकी ऊर्जा का नकारात्मक प्रवेश हो जाने के नाते उनकी छवि खराब होती है। शेष वो बड़े परिवार में पैदा होगी, उन्होंने जो त्याग करने का काम किया इस समय वंदे मातरम, उन्होंने भारत जोड़ो पदयात्रा की, इससे समाज में एक छवि उनकी बनी कि भारत के योग पर विश्वास करते हैं, कर पर विश्वास करते हैं, गरीब से गरीब लोगों से मिल सकते हैं, सामान्य जीवन में रह सकते हैं। तो अच्छा काम करने वाले हर व्यक्ति का समाज स्वागत करता है। सभी नेताओं को चाहिए कि थोड़ा वैभव से बचें और भारत जोड़ो की तरफ हर लोग बढ़े सियासत के लिए, लेकिन भारत जोड़ो जो पदयात्रा है राहुल गांधी की वो जन कृपा के लिए है, भगवत कृपा के लिए नहीं है। आपको आप चैनल है, आप जान लीजिए, उन्हें भगवान मिले इसकी उनकी इच्छा नहीं है, इससे उनका जनसंपर्क बढ़े, उन पर जन कृपा हो और सत्ता के सन निकट जाए। वो जो देश की सर्वोच्च पद वाली कुर्सी है प्रधानमंत्री की, उसे पाने के लिए राहुल गांधी जी ने जन प्रसन्न करने के लिए जन 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 सेवा की कामना से भारत जोड़ो पदयात्रा की है, लेकिन हम लोग उनके इस काम के लिए स्वागत करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप आरोग्य हैं, एक अच्छी छवि आप दे रहे हैं समाज को, आप भी ये मानते हैं कि भारत में रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ और आरोग्य जा सकता है, कम से कम लोगों के दिमाग में बात आएगी। तो एक योगी जो बिना भस्मीभूत के रहता है, अगर नेता टी शर्ट में है तो इतनी चर्चा है, तो एक बार मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा, एक बार ये भी देखिए महाराज कि हमारे देश के जो संत हैं केवल विभूति लगा करके रहते हैं, हम लोग कभी श्री वस्त्र पहनते ही नहीं है जिंदगी में, तो निश्चित रूप से इस भारत भूमि की विशेषता है। यहाँ जो भी रहता, चाहे राजा हो, चाहे योगी हो, चाहे गृहस्थ हो, हर लोग यहाँ की पावन भूमि में जब आते हैं तो उन्हें वो ऊर्जा मिल जाती है और भारत के चरणों में जो झुकता है उसे स्वतः से तमाम प्राकृतिक सुख संपत्तियां प्राप्त होती, उसी कृपा है राहुल गांधी को भी मिल गई है, इसके नाते वो आज चर्चा के विषय में बने हुए हैं। तो महाराज जी, आपने कहा कि जो राहुल गांधी करने निकले हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे क्या वो करने निकले एक टी शर्ट पहन के और लोगों से मिल रहे, क्या जिस चीज का उन्होंने संकल्प लिया है वो संकल्प पूरा हो पाएगा? संकल्प पूरा करना है भगवान का काम है और वो एक योगी के सामने खड़े हैं, क्योंकि देश का इसमें जो सबसे बड़ा तपस्वी है वो देश का प्रधानमंत्री है, जिसको लेके पूरे विश्व में चर्चा रहती है, उनका खान पान रान सहन अर्चना, तो वो उनके दिमाग में एक बात है कि मैं जिस तपस्वी का विरोध कर रहा हूं, अगर मैं भी कुछ तप नहीं करूंगा तो समांतर रूप में मेरी चर्चा कैसे होगी? लोग मानते हैं कि मोदी जी एक तपस्या करने वाले व्यक्ति है, चरित्रवान व्यक्ति है और बहुत सामान्यता उन्होंने अपने जीवन को रखा है,
तो तपस्वी का सामना करने के लिए तप की आवश्यकता है। गोस्वामी दास जी महाराज ने राम चरित मानस में संकेत किया है कि तप बल रचयी प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप आधार कशु तप आधार सब सृष्टि भवानी, और तप ते दुर्लभ नहीं कछु ज्ञानी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी तो भाभी हूं मेटि सके त्रिपुरारी। उनके मन में एक विश्वास है जो तपस्या करते हैं कि भगवान मेरी भाग कर देंगे, नेताओं के मन में है कि जनता मेरी भाग्य को बदल देगी। तो वो मोदी जी को रोकने के लिए कि वो एक मंदिर जाते हैं, तप करते हैं, गुफाओं में रहते हैं, मैं भी कांग्रेस का एक मुखिया हूं और मैं भी पदयात्रा कर रहा हूं, भारत में मेरी आस्था है, भारत में मेरा विश्वास है, भारत की नैतिकता में, भारत के धर्म में, भारत के कर्म में, भारत के योग में मैं भी पराक्रमी अस्तित्व रखता हूं, उसे सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको लेकर इस समय खूब सुर्खियों में भी है, अच्छा है कि वो स्वस्थ हो, आरोग्य हो, अच्छे कार्य करें। लेकिन मेरी एक बात जरूर सबसे है कि केवल जीवन को राजनीति के लिए ही नहीं, समाज की रक्षा के लिए भी और अपनी आरोग्यता के लिए भी योग और श्रम को बनाए रखना चाहिए। साधुवाद सबको है, क्योंकि नेताओं का कोई दल नहीं होता, जैसे झंडा बदलता है वैसे भाषा बदल जाती है। कांग्रेस वाले कल जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम वाले कल मतलब कहते हैं कि गीता जला दीजिए। कल देखिए वहां के बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामायण को जला देना चाहिए, कल तक जय श्री राम बोलते थे, आज रामायण जला देना चाहिए। इसलिए नेताओं की बात करना तो बड़ा कठिन होता है कि पता नहीं कब कौन सी भाषा बोलने लगे। फिर भी मेरी समस्त नेताओं से यही बड़ी इच्छा है कि आप लोग भी योग को स्वीकार कीजिए, भारत है आरोग्यता प्रदान करेगा, आपकी चर्चा भी होगी, परिचर्चा भी होगी, सम्मान भी बढ़ेगा और स्वस्थ भी रहेंगे और समाज में आपको लोकप्रियता भी मिलेगी। जो भारत के पगडंडों पे चलता है स्वतः से उसे राजमार्ग की जाने की ओर के लिए रास्ता भी मिल जाती है। राहुल गांधी उसी राजमार्ग को प्राप्त करने के लिए जन तप करने के लिए निकले हैं, जन तप से राजसत्ता की ओर जाएंगे। लेकिन उनका सामना एक बड़े साधक से है जो देश के माननीय प्रधानमंत्री है, अभी उनको और तप करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके समांतर में तप बिना किए हुए वो उनकी बराबरी करने में तमाम चुनौतियों के सामना पीछे खड़े होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मौनी बाबा जी, जिन्होंने तमाम जो राजनीतिक से जुड़े लोगों हैं उनके लिए एक मैसेज भेजा है। आप हम अमर उजाला देखते रहिए और हम आपसे प्रयागराज में दोबारा मिलेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।